अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशनल होने वाली है। यू आर वॉचिंग एग्जिम गाइड एंड आई एम ओपी मिश्रा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से शिपर को यहाँ पे कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, अगर आप शिपर हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो यूजुअली जो कंटेनर की स्टफिंग होती है वो आपके द्वारा की जाती है। बीएल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा भी होता है शिपर्स लोड एंड काउंट, मतलब शिपर के द्वारा जो लोड किया गया है पूरी जवाबदारी यहाँ पे शिपर की है। जो बीएल में डिटेल दिया गया है वो शिपर के द्वारा बताया गया है और उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर लोडिंग करते समय आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक रिसेंट जो हमारे साथ केस हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। हमारा एक शिपमेंट था, उसको शिपर के द्वारा कार्गो को लोड किया गया लेकिन प्रॉपर स्टफिंग नहीं की गई। अब यहाँ पे अगर आप कार्गो को लोड करते हैं कंटेनर के अंदर तो उसकी प्रॉपर स्टफिंग, लेसिंग एंड चोकिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका कार्गो कंटेनर के अंदर मूव कर सकता है और कार्गो आपका पूरा खराब हो सकता है जिससे आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। या अगर आपका कार्गो काफी हैवी है तो आपका कंटेनर डैमेज हो सकता है, जो कि हमारे केस में हुआ। हमारे केस में हुआ क्या कि कार्गो काफी हैवी था, आप फोटो में देख सकते हैं। शिपर ने कार्गो को लोड कर दिया लेकिन प्रॉपर उसको लेसिंग एंड चोकिंग कंटेनर के अंदर नहीं किया जिससे कार्गो मूव न करे। लोडिंग के बाद जो कार्गो था वो कंटेनर के अंदर मूव करता रहा जिससे कंटेनर पूरी तरह से डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद जब शिपिंग लाइन की इंस्पेक्शन टीम को पता चला तो उन्होंने चेक किया, कंटेनर पूरी तरह से टूट चुका था, आप देख सकते हैं। उससे बेशक को रिस्क हो गया और दूसरे जो कंटेनर लोड थे उनको भी काफी ज्यादा रिस्क था। जो शिपिंग कंपनी थी उन्होंने नियरेस्ट पोर्ट पे अपने वेसल को रूट किया और लोडिंग पार्टी और शिपर को इन्फॉर्म किया कि आपके कंटेनर की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, वेसल पूरे रिस्क में आ गई है, तो इसको हम लोग नियरेस्ट पोर्ट यहाँ पे सिंगापुर था वहां पे उसको वेसल को रिडायरेक्ट करके वहां पे कंटेनर को डिस्चार्ज किया गया। तो एक्सपेंस करीब 40-50 लाख रुपए शिपिंग कंपनी द्वारा बताया गया, वो एक्चुअल बिल में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। या तो ये बुकिंग पार्टी को देना पड़ेगा या यहाँ पे शिपर को देना पड़ेगा। डिस्चार्ज का चार्जेज, बर्थिंग का चार्जेज, पोर्ट का चार्जेज, तो बहुत सारे चार्जेज यहाँ पे उनको लग गए। और जो शिपिंग कंपनी की इंस्पेक्शन टीम थी उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि प्रॉपर लोडिंग नहीं होने की वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा टाइम वेस्ट और मनी का यहाँ पे वेस्ट हुआ है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान शिपर को उठाना पड़ा जिससे उनकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिगड़ जाती है। अगर आप कोई कार्गो लोड करते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रॉपर लेसिंग एंड चोकिंग करवाएं जिससे आपका ना तो कार्गो डैमेज हो न कंटेनर डैमेज हो। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलते रहते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।